Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार फिर से भारत को कॉमनवेल्थ गेम में पहलवानी में गोल्ड मेडल मिल गया है। किसको मिला है पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल बात करें तो स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रेसलिंग में भारत को पहला गोल्ड दिला दिया है। बजरंग का यह कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। भारत को अब तक 7 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं और पदकों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। बजरंग के फाइनल में कनाडा के लचलन मैकलिन को 9-2 से हरा दिया है, तो वहीं टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग ने इंग्लैंड के जॉर्ज रैम पर तकनीक श्रेष्ठता यानी कि 10-0 से जीत जकर आसानी से फाइनल में जगह बना ली है। गत चैंपियन बजरंग ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम इवेंट में मॉरिशस के जिन गुलिया ने जोरिस बांडो को महज 1 मिनट में पटकनी देकर 6-0 की जीत में सेमीफाइनल पहुंचे थे। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से 2 मिनट से भी कम समय लगा, जिसके लिए उन्होंने शुरुआती दौर में नौरू के लोवो बिंगम को गिराकर 4-0 से आसान जीत दर्ज की। बजरंग ने 1 मिनट में अपने प्रतिद्वंदी को समझने में लिया और फिर जकड़ने की स्थिति से अचानक बिंगम को पटक कर मुकाबला खत्म कर दिया। बिंगम को इस अचानक से दाव का पता नहीं चला और भारतीय पहलवान जो हैं वो आसानी से जीत गए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया को लगातार दूसरा बार गोल्ड मेडल मिला है, तो वहीं भारत को 7वां गोल्ड देकर एक इतिहास रच दिए हैं। तो एक अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.